अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के 808वें सालाना उर्स का झंडा गुरुवार शाम को बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया। झंडा चढ़ाने की रस्म भीलवाड़ा की गौरी परिवार ने पूरी की। आज असर की नमाज के बाद दरगाह कमेटी के गेस्ट हाउस से ढोल धमाके और कव्वाली के साथ झंडे का जुलूस शुरू किया गया। इस 808वें उर्स की झंडे की रस्म में बड़ी संख्या में जायरीन सहित खादिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। कहा जाता है कि गौरी परिवार की ओर से 1944 से उर्स का झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज के 808 उर्स में 5,500 पुलिस अधिकारी सहित जवान मुस्तदे एवं अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अजमेर पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन और सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। उर्स मेले में सुरक्षा और चिकित्सा का इंतजाम किया जाएगा। छोटी सी घोषणा के लिए हो चुकी है। ये आज से 75 साल पहले भीलवाड़ा के कुछ लाल परिवार के लोग यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ झंडा चढ़ाने की रस्म शुरू की थी क्योंकि उनके घर औलाद नहीं थी। जब उनके यहाँ औलाद हुई तो आज ही के दिन उसकी वर्षगांठ उसकी सालगिरह बनाई और झंडा चढ़ाया। और चांद की 29 तारीख यहाँ 24 फरवरी को यहाँ छड़ियों का जुलूस दिल्ली से पैदल आएगा। जब टीवी अखबार नहीं थे तो उसकी घोषणा इसी तरीके से होती थी। उत्तर प्रदेश की पूरी दरगाहों से छड़ी का जुलूस झंडों का जुलूस जमा होकर के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह पर पहुंचता। दिल्ली में जहाँ कुतुब मीनार के पास है वहाँ से पैदल यहाँ वो लोग आते और झंडा चढ़ाते तो उसकी शुरुआत हो जाती। इस मुबारक मौके पर मैं विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह में दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन शांति बने रहे। जो लोग यहाँ आए देश विदेश के लोग यहाँ से मोहब्बत भाईचारा इखलाक का पैगाम ले जाएँ। मैं एस एफ हसन चिश्ती गद्दी नशीन ख्वाजा साहब दरगाह शिफ अजमेर जी। Thank you.